खबर जिला शिवपुरी से आ रही है। यहां आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन हुआ सख्त। दरअसल आपको बता दें, बगैर हेलमेट लगाए वाहन चलाने वाले लोगों की जिले में आए दिन एक्सीडेंट सी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से गंभीर चोट आने के कारण कई लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के नेतृत्व में यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने निकाली शहर में हेलमेट जागरूकता रैली, जो SP ऑफिस से पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई, जो MM हॉस्पिटल से निकलकर अस्पताल चौराहे होते हुए कोर्ट रोड माधव चौक पर रुककर सभी बगैर हेलमेट चलाने वालों को रोककर यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव एवं TI सुनील खेमरिया, फिजिकल थाना प्रभारी कृपाल सिंह चौहान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी एवं हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने की शपथ भी दिलाई। टू व्हीलर गाड़ी पर हेलमेट लगाऊंगा। मैं कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करूंगा। मैं कभी भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं सिग्नल का पालन करूंगा। मैं कभी भी सवारी बैठा कर नहीं चलाऊंगा। फिर बाइक रैली कमलागंज के लिए रवाना हुई और बाईपास होती हुई गुरुद्वारा झांसी तिराहा नवाब शाह रोड होती हुई SP ऑफिस पहुंची, जिसमें शहर के सभी थाने की पुलिस ने हेलमेट बाइक रैली में भाग लिया। शासन का ना प्रशासन का, कोई भी प्रशासन शासन ये नहीं चाहता कि वो आपको परेशान करे। एक मकसद होता है जिसके पीछे आप लोगों को कभी कभी लगता है कि हम लोग परेशान करते हैं। हमारा मकसद है आपकी जान बचाना। जब आप लोग रहेंगे तभी ये समाज रहेगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे, सब लोग काम करेंगे। कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कहीं ना कहीं समाज को आप लोगों से बहुत कुछ मिलने वाला। अब क्या होता है कि सबसे पहले जैसे आप घर से निकलते हो तो आप घर से तो निकलना ही पड़ेगा किसी ना किसी काम से। घर से या तो आप पैदल जाओगे या आप मोटरसाइकिल से जाओगे या आप कार से जाओगे। फिर आप पैदल जाओगे तब भी वो ट्रैफिक रूल्स हैं, यातायात नियम है, उनका पालन करना होता है। जैसा पैदल वाले के लिए क्या रहता है, जब भी सड़क पुरस्त करेगा दाएँ देखेगा बाएँ देखेगा और धीरे धीरे निकलेगा, ये दौड़ के नहीं निकलेगा। साइकिल वाले के लिए भी यही है, इधर उधर देखा क्रॉस करेगा। मोटरसाइकिल वाला क्या है, हेलमेट लगाएगा, लाइसेंस सबसे पहली शर्त होती है कि वो 18 साल का हो जाए, लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं वो रखना है, हेलमेट लगा, उसके बाद सिग्नल है, सिग्नल पर रुकना है। सबसे मेन चीज़ है हेलमेट। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप चला रहे हो, चालान होता है, एक बार उसको भी छोड़ा जा सकता है। आप उसमें बिल्कुल हेलमेट के लिए तो बिना हेलमेट के निकलना बंद कर दो। दुनिया में हेलमेट बिना लगाए हुए मरने वालों की संख्या दुगनी हो चुकी है। आप घर परिवार को पालने वाले हो, अपने बच्चों का पेट भरने वाले हो, अगर आप मर जाओगे एक परिवार पूरा खराब होगा। इसलिए हेलमेट लगा के चलिए, बिना हेलमेट के बिल्कुल मत चलिए, यही मेन हमारा उद्देश्य है। इसमें क्या रहता है कि हेलमेट जो एक्सीडेंट है, मैं बता देता हूँ, एक्सीडेंटों का जो रेशियो है, एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट से लगातार निर्देश आते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए अपने को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करनी है। मैं हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा आदेशित करके सप्ताह यातायात जागरूकता के लिए सप्ताह 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का करने का निर्देश दिए हैं। उसमें आज ही हमने देखा कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जब से हाईवे बन गया है तो स्पीड बढ़ गई है, और उस वजह से जब एक्सीडेंट होता है और अगर हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं तो टू व्हीलर्स वाला व्यक्ति जो है ज़्यादातर फेटल होता है, इसके लिए और कई बार असामयिक मृत्यु का शिकार होता है, जिससे उसके पूरे परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है। अतः आज ये एक पुलिस वालों का जो खुद का चलाना है वो हेलमेट से चलाएँ, इसके लिए भी इनको बताया गया है। और आज एक रैली निकाली गई है, इसमें जागरूकता कराने के लिए शहर में जाएंगे, रैली निकालेंगे और इसके बाद माधव चौक पे कि शपथ भी हेलमेट लगाने के लेंगे और लोगों से जो टू व्हीलर चलाते हैं उनसे भी लगाएंगे। कितने दिन चलेगा ये भी? 7 दिन चलेगा, अलग अलग टाइम का जागरूकता रैली है, जिसमें हमने
सड़क दुर्घटनाओं में कई सारे लोग एकदम मौके पर हमें मदद करते हैं इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए। समेरिटन्स का भी करेंगे हम, और इसके अलावा जो लेके स्पॉट्स वाले पॉइंट्स हैं उनको भी विजिट करके वहाँ पर भी आसपास के लोगों को जागरूकता की बात की जाएगी। साथ में ड्राइवर्स जो हैवी व्हीकल्स चलाते हैं उनके आई कैंप वगैरह भी कराएंगे।